तो आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं वर्ण, अंग्रेजी वर्णमाला पे संबंधित जितने भी क्वेश्चन इसमें आपके बनते हैं, ठीक है। तो उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पे, ठीक है। देखिए प्रश्न एक से अगर सात की बात करूं, प्रश्न एक से सात यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधारित निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले क्या करना है, वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को क्या करना है आपको, विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। विपरीत क्रम मतलब आपका क्या हो गया, जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, एक्स के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, बी आएगा, यू आएगा, टी आएगा, एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी वी ए, ठीक है। तो ये आपका विपरीत क्रम में हो गया, ठीक है, जेड से ए की तरफ। अब हमें बताना है, देखिए अब क्वेश्चन क्या पता कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर बाएं से 19वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। देखिए अगर इनकी कोडिंग की बात करूं मैं, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, एक अक्षर छूट गया आपका कोई सा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर कहाँ छूट गया, देखिए इसमें देख लेते हैं कोई सा अक्षर लिखने से छूट गया क्या, एक दो ठीक है, यहाँ पर हमारा जो था यहाँ पर सीरीज गलत हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और आपका छब्बीस। देखिए अब यहाँ से वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अब आगे बताएं, देखिए बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, यानी कि बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, अगर नई श्रृंखला में बात करूं बाएं से 19वें अक्षर के बाएं बताना है, ठीक है। तो यहां पे 19 माइनस 7 तो कितना आ गया, वास्तविक संख्या आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। अगर वास्तविक श्रृंखला का बात करूं तो कौन सा अक्षर क्या होगा, ठीक है, तो 12 आ गई। तो 12 को अगर हम 27 में से माइनस कर दें, 27 माइनस 12 तो कितना आएगा आपका, 15 आ जाएगा, कितना आएगा आपका, 15 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाएं से बाएं पूछ रहा है, ठीक है, बाएं पूछेगा तो आपकी कौन सी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ओ इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ओ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 19वें अक्षर के, ठीक है। अब 19वें अक्षर तो ये हो गया आपका 19वें अक्षर के, कितना पूछ रहा है वो, सातवां अक्षर, ठीक है। तो यहां से देखिए 19वें अक्षर के अगर बाएं जाएंगे तो सातवां अक्षर कौन सा होगा, एक दो तीन चार पांच छ सात, क्या आ गया आपका, ओ यहां पर आ गया, ठीक है, क्या आ गया आपका यहां पर, ओ यहां पर आपका आ जाएगा, क्योंकि सात अक्षर हमें पीछे आना है, ठीक है, बाएं से बाएं ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा आपका, 12वें पर क्या आ जाएगा आपका, ओ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, जो आपका सीधे क्रम है, ठीक है, उल्टे क्रम में आपका 12 पर ओ आ रहा है, ठीक है, तो वैसे भी आ रहा है, लेकिन यहां पर भी आपका इस तरीके से भी अगर 27 में से हम यहां से 12 घटाएंगे तो भी आपका ओ आ जाएगा, जो कि आपका 15वें नंबर पर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वो बात कर रहा है बाएं से अक्षर से 22वां अक्षर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके निकालने के लिए आप सबसे आसान तरीके में, देखिए आप इसको तो याद रखेंगे ही, ठीक है, तो ये तो आपका विपरीत क्रम में है, ठीक है, तो इसमें आप इसको याद रखेंगे तो भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना है जो संख्या पूछ रहा है अगर इस तरीके से, तो 22 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 तो आपका विपरीत क्रम में है, ठीक है, आपको ये याद रखना है विपरीत क्रम में है ये तो। ठीक है, कितने पर है, विपरीत क्रम में है। अगर हमको मालूम नहीं विपरीत क्रम में 10वें नंबर पर क्या है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 27 माइनस 10 कर देंगे, तो 27 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा आपका, 17 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 17वां अक्षर हमें बताना है। 17वां अक्षर क्या होता है आपका, क्यू होता है। ठीक है, सीधे क्रम में, ठीक है, ये आपको उसका निकाल लेना है सीधा क्रम। ठीक है, चाहे विपरीत क्रम में आपका जो 10वें पर है 17 नंबर पर भी आपका वही होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए, तो यहाँ पर 10वें नंबर पर अगर बात करूँ तो आपका क्या है, क्यू है। ठीक, क्या है यहाँ पर, क्यू है विपरीत क्रम में। ठीक है, तो 22 यहाँ से आप 22 जाएंगे। ठीक है, 22 के आपको जाना है 12। ठीक है, तो 22 में से यहाँ से 12 घटाएंगे। ठीक है, उसके पीछे आना है, यहाँ से जब पीछे आएंगे फिर तो कितना बचेगा आपका, 10। 10 पे क्या है आपका, Q है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, केवल आपको इसकी जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर बात करूं बाएं से 24वें, ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है वो, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर। ठीक है, तो माइनस करेंगे 24 में से 9 जाएंगे तो कितना बचा आपका, 15। कितना बचा, 15वां अक्षर। ठीक है, 15वां अक्षर क्या होगा, विपरीत क्रम की बात चल रही है। ठीक है, अब विपरीत क्रम का अगर हम सीधा निकालें तो इसको क्या करेंगे, 27 माइनस 15 कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 12वां आ जाएगा। ठीक है, जो 12वें अक्षर पर होगा वही आपका 15 नंबर पर होगा। ठीक है, तो सीधे क्रम में आपका क्या होता है 12वें पर, अगर इसकी बात करूं तो ये होता है आपका L। क्या होता है, L होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, L होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका C हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर भी यही करना है। ठीक है, देखिए अब दाएं से पूछ रहा है तो यहां क्या करेंगे हम, 24 माइनस 9 कितना आ गया आपका, 15 आ गया। ठीक है, देखिए तो ये जो पूछ रहा है आपका दाएं से पूछ रहा है। ठीक है, दाएं का मतलब होता है आपका ए से जेड की तरफ। ठीक है, ए से जेड की तरफ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्णमाला चाहे आपकी किधर भी लिखी हुई हो लेकिन जो आपको वो कह रहा है दाएं से, ठीक है, तो ए से जेड की तरफ ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ए से जेड की तरफ 15वें नंबर पर क्या आता है आपका, ओ आता है। ठीक है, 15वें नंबर पर क्या आता है आपका, ओ आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें ओ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दाएं से पूछ रहा है दाएं, तो आपका ए से जेड की तरफ वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो आंसर हो जाएगा इसका, ओ हो जाएगा। ठीक है, 24 माइनस 9 बराबर 15 पे आपका क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर क्या होगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सवाल घुमा दिया है लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, बाएं से मतलब कह रहा है वो आपका जेड से ए की तरफ। ठीक है, जेड से ए की तरफ। ठीक है, तो यहां पर कैसे करेंगे, अगर यहां पर ऐसे सवाल पूछता है तो आपको करना क्या, देखिए कितना पूछ रहा है, 11वें अक्षर के दाएं। ठीक है, तो दाएं आगे पूछ रहा है उससे। ठीक है, अगर वो यहां पर पूछता बाएं से बाएं तो उसको माइनस करते, अगर वो बाएं से दाएं पूछ रहा है तो 17 भी इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बाएं पूछा है तो यहां पर हम इसको माइनस कर देंगे 6। ठीक है, कितना हो गया, 6 माइनस हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11 और 17 और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 22। ठीक है, कितना आ जाएगा, 22 आ गया। ठीक है, 11 17 माइनस 6 कितना जाएगा, 22वां अक्षर। ठीक है, देखिए अब 22वां अक्षर तो विपरीत क्रम में है। ठीक है, हम इसका सीधा क्रम अगर निकालेंगे तो सीधे क्रम में होगा, तो 22वें क्रम पर जो विपरीत क्रम में होगा तो वही आपका जो सीधे क्रम में है वही 22वां अक्षर होगा। ठीक है, जैसे कि बात करूँ 27 माइनस अगर हम 22 कर दें तो कितना आएगा आपका,
पाँच आ जाएगा, ठीक है। और पाँच नंबर पर क्या होता है आपका ई होता है, ठीक है। तो उल्टी 22 नंबर पर भी क्या होगा आपका विपरीत क्रम में आपका ई होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाएं से छठे तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। देखिए बाएं से छठे तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। देखिए अगर इसकी बात करूं बाएं से छठे देखिए बाएं से छठे निकालना, ठीक है। तो बाएं से छठे की बात करूं 19वें अक्षर के बीच, ठीक है। तो 19 माइनस 6 कितना आ गया आपका, ठीक है। 19 के बाएं से छठे था 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, ठीक है। तो 19 6 कितने हो गए आपका, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। माइनस वन बराबर कितना आएगा आपका, माइनस वन बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। 6 और ये आपका इतना, ठीक है। तो 12 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 12वां क्या होगा इसका 12 होंगे, ठीक है। कितने होंगे आपके 12 होंगे, ठीक है। क्योंकि जो संख्या पूछता है देखिए उनको जोड़कर उसमें से हम माइनस एक कर देते हैं, ठीक है। तो 19 और माइनस आपका कितना पूछा उन्हें 6, ठीक है। 19 में से जब 6 गए तो कितने बचे आपके, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ देखिए, ठीक है। तो इसमें से ऐसी संख्या में से घटाकर उसमें से हम एक कम कर देते हैं, ठीक है। तो जो संख्या आती है वो उनके बीच की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो बाएं से छठे तथा 19वें के बीच बाएं से के बीच पूछ रहा है, तो 19 माइनस 6 और माइनस 1 करेंगे तो 12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 19 अक्षरमा और आपका छठा अक्षरमा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाएं से 12वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। देखिए वो कह रहा है दाएं से, यानी कि दाएं से 12वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, यानी कि 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 7वा अक्षर, ठीक है। तो 7वा अक्षर कौन सा होगा, तो 7वा अक्षर देखिए दाएं से अक्षर से दाएं पूछा, ठीक है सर। 7वा अक्षर कौन सा होगा आपका, यहाँ पर बात करूँ तो ये होगा आपका जी होगा। 7 नंबर पर क्या आता है आपका जी आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर सेव, इसका जी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करूं तो आगे क्वेश्चन है, देखिए यहां पर आपको बताना है यहां तो विपरीत क्रम था, ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा है वो 8 से 12 यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। देखिए वो कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में क्या लिखना है, हमें प्रथम अर्धांश को क्या लिखना है विपरीत क्रम में, यानी कि आपका कहां से स्टार्ट करें, यानी कि M से, ठीक है। M हो जाएगा L K J I H G F E D C E, C के बाद आपका B आ जाएगा, उसके बाद A, ठीक है। तो ये आपका प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, यानी कि जैसे होता है उसको वैसे लिख दिया जाए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ए के बाद क्या आएगा आपका, यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी यू यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड, ठीक है। तो ये सीधे क्रम में ऐसे ही रहना है, ठीक है। तो अब हमें बताना है आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए बताइए कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। देखिए बताइए बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। देखिए अगर ऐसी कंडीशन में पूछता है तो बाएं से दाएं पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको प्लस करते हैं, ठीक है। तो 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा आपका 12, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। यानी कि 12वां अक्षर क्या आ जाएगा आपका 12वां अक्षर, ठीक है। तो अब 12वां अक्षर देखना है हमें,
तो बाएं से किधर चलेंगे, मैंने बताया था आपको अगर बाएं से पूछता है तो ए से जेड ही होता है आपका, क्या होता है आपका, ए से जेड होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से इसकी गिनती करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, तो इसके लिए हम यहाँ से देख लेते हैं तो क्या होगा, देखिए, एक इसका ये हो गया आपका दो, एक नंबर, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, तो बारह, तो बारह पे क्या आ गया आपका, बी इसमें आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं बारहवें की, तो आपका यहां पर क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा कौन सा है, ठीक है। देखिए प्रथम अर्धांश की अगर बात की जाए तो वह अक्षर कौन सा है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा है आपका, देखिए प्रथम अर्धांश में अगर यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा जी है, ठीक है, तो जी का कितना होता है, सात होता है, तो विपरीत क्रम में भी यहाँ पर उसका स्थान सात ही है, क्या है, सात ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, जी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जी का स्थान परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए बाएं से 19वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, देखिए बाएं से 19वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा अगर इसकी बात करें, देखिए अब बाएं से 19 में, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बाएं से 19 प्लस 7 कितना हो गया आपका 26, ठीक है। तो 26 पर अक्षर क्या होगा आपका, 26 पे क्या आता है आपका, क्या आता है, जेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 26 में पे क्या हो जाएगा आपका, जेड हो जाएगा, ठीक है। बाएं मैंने बताया आपको ए से जेड की तरफ हमें जाना है, ठीक है, ए से जेड की तरफ, ठीक है। तो जेड पे क्या आता है आपका, 26 नंबर पर आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जेड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा, देखिए बाएं से 22वें अक्षर के बाएं जो पूछा है 14वां अक्षर क्या होगा, देखिए ऐसी कंडीशन मैंने बताया था, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 22-14 करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाएं से बाएं पूछा है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 14 कितना है आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, कितना आएगा आपका 8, और 8 पर क्या होता है आपका, देखिए तो आठवां अक्षर क्या होगा आपका, एफ होगा, क्या होगा आपका, एफ होगा, ठीक है, आठवां अक्षर क्या होगा आपका, एफ होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आठवां अक्षर क्या आपका यहाँ पर, एफ है, ठीक है, एफ है नहीं है, ठीक है, ए से जेड की तरफ, तो आठवां अक्षर क्या होगा आपका, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर क्या होगा, देखिए बाएं से बाएं 6ठा अक्षर क्या होगा, देखिए अगर इसकी बात करूं तो यानी कि बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर, यानी कि 7-6 कितना आया आपका, 1, तो पहले नंबर पर क्या था आपका, देखिए पहले नंबर पर अगर बाएं इसकी बात करूं तो आपका M होगा, ठीक है, क्यों होगा, देखिए यहां पर देख रहे हैं, तो 6 कम करेंगे 7 में से 6ठा पूछ रहा है, ठीक है, तो आपका 1 कम कर देंगे तो कितना आया आपका, यहां पर M आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, एम हो जाएगा, ठीक है, ए से जेड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एम आपका प्रथम इसमें अक्षर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, एम इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हमें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। देखिए तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, देखिए देखिए आज के टॉपिक में चलो यहीं पर छोड़ देते हैं, कल के टॉपिक में यहां पर इससे आगे के कराएंगे, क्योंकि आपका ज्यादा मैं समय नहीं लेना चाहता हूं और ना ही आपको ज़्यादा इस तरीके से आपको, देखिए थोड़ा थोड़ा करेंगे आपका सारा कंप्लीट सिलेबस में कर दूंगा, ठीक है। तो कल के टॉपिक में हम करेंगे यहाँ से आगे के लिए, और इसकी पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
वहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, फिर मिलेंगे अगले इसी टॉपिक में अगले क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।